लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के जरिए एहतमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में नेपाली टेक्नोलॉजी के जरिए भट्टों में जिग जैग फायरिंग के जरिए 70% तक कम धुआं और 40% से ज्यादा कोयले की यकीनी बचत पर बातचीत की गई। तारुफी सेमिनार में सूबाई वजीर माहौलियात बेगम जकिया शाह नवाज, सेक्रेटरी माहौलियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम, वफाकी डीजी माहौलियात फरजाना अल्ताफ, सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर सदर भट्टा यूनियन शुएब खान नियाजी का कहना था कि धुआं छोड़ते भट्टे माहौल समेत नस्लों के लिए खतरा है, जिस पर तमाम भट्टा मालिकान को काम करने की जरूरत है। समझते हैं कि हमारे नाक में ये धुआं नहीं जाता, लोग ये समझते हैं कि लोगों के पास जा रहा है, जाना है तो जाने दो, इनको मरने दो। मैं तो ठीक ठाक हूँ, मगर ऐसा है नहीं। पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम किस तरह इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। बेगम जकिया शाह नवाज का कहना था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल स्मोक का मसला सामने आया। मसला सिर्फ भट्टों तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क में दीगर माहौलियाती तब्दीलियां भी वाकई हो रही हैं। इन पर काम करना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। We have killer poisonous, जहर है, पानी में जहर है, हवा में जहर है, ये सारा जहर किसने फैलाया? हमने फैलाया, हम हैं उसके मुल्ज़िम। अब हमने उसको अपना, जैसे कहते हैं ना, अपने मुल्क को साफ करना है, पाकिस्तान को पाक करना है। नेपाल से आए माहिरीन 3 रोज तक पंजाब भर के भट्टा मालिकान को टेक्नोलॉजी के बारे आगाही देंगे। कैमरामैन मशहूद अहमद के हमरा, साउथ बट सिटी 42।